वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। हर नए दिन का स्वागत हमें कुदरत को धन्यवाद देने के साथ करना चाहिए, क्योंकि कुदरत ने आपको एक और नया दिन दिया है, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, किसी को प्यार करने के लिए। तो आज का दिन आप नहीं जानते कि आपके दिन में खुशियों की कौन सी नई इबारत लिखती है, तो किस दिन में क्या छुपा हुआ है ये आप नहीं जानते। इसीलिए हर दिन को शिद्दत से जीना चाहिए, और इसीलिए आपके तारे आपके हर दिन को प्लान करता है ये सोचकर कि आपका आज का दिन आपके जीवन में एक नया, एक बेहतर, एक शानदार दिन बनेगा। तो इसमें मदद करेंगे आज भी ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम हाजिर हैं आप सबके आज के दिन को समझने के लिए और आपको समझाने के लिए कि आपका आज का दिन बहुत खास हो सकता है अगर आप उसे खास तरीके से जिए। कैसे जिए आप सबको बताएंगे, लेकिन पहले पंचांग। आज 4 दिसंबर 2019 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। अष्टमी तिथि है देर रात 1:44 तक, और उसके बाद नवमी तिथि है। शतभिषा नक्षत्र है शाम 5:09 तक, और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में। आज भद्रा है दोपहर 12:28 तक। आज 4 दिसंबर 2019 को पुराने घर में प्रवेश का मुहूर्त है दोपहर 12:28 से दोपहर 2:53 तक, और शाम 4:05 से शाम 5:09 तक। वाहन और मशीनरी खरीदने का मुहूर्त है दोपहर 12:28 से दोपहर 2:53 तक। तो पंचांग की बात तो हो गई, अब मेष और वृषभ आपके आज के दिन को समझेंगे, देखेंगे ज्योतिष गुरु के नजरिए से, आप भी देखिए। मेष राशि वाले ये समझ लें कि आपके दोस्त आपके प्रति कितने भी अच्छे हों पर आपको उन पर भरोसा नहीं, इसलिए आपके मन में किसी न किसी तरह का तकरार लगातार बना हुआ है जिसे आप संभाल भी नहीं पा रहे। पैसे की स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो पर लगता है आप फिर भी असंतुष्ट ही हैं। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार की उसे अच्छाई की ओर देखें जिससे लगातार लाभ बना हुआ है, और उसे अच्छाई की ओर देखें जो आपके लिए बोल रही है। इसी अच्छाई के चलते अपने काम या कारोबार में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेंगे तो आपकी मेहनत भी उभर कर आएगी। क्या ना करें इस समय में? किसी भी ऐसे विकल्प को गलत न ठहराते चले जाएं जिसमें आपके मन का भटकाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपने अपने मन में पहले से कोई ऐसी नकारात्मकता बिठा रखी हो जिसके चलते आप पूरी तस्वीर को देख नहीं पा रहे, और यही इस समय की गलती है। वृषभ राशि वालों को कामकाज के प्रति अपने भरोसे को बढ़ाने की जरूरत है। मुश्किलें जरूर हैं और आपको ये भी लग रहा है कि आपको अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। जैसे आपकी मेहनत बनी हुई है ये अच्छी बात है, पर अपने असंतोष को हटा देने से जिंदगी की उन चुनौतियों को भी संभालना आसान हो जाएगा जिनकी वजह से आप परेशान हैं। क्या करना चाहिए समय? अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बिठाए रखना होगा, और ऐसा सोचने से भी बचना होगा कि तकदीर आपके खिलाफ। जिंदगी के दबाव हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करते हैं, पर अपने नजरिए को बदल देने से फायदा भी जरूर होता है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर कोई ऐसा तकरार ना बढ़ाएं जिसे आपकी गलती के रूप में देखा जाए, इसलिए व्यर्थ में लोगों की गलतियां भी ना निकालते चले जाएं। इन्हीं छोटी छोटी बातों से वैचारिक मतभेद बढ़ता चला जाता है, और इस समय यही ठीक नहीं। क्यों दूसरों में गलतियां ढूंढ रहे हैं और वैचारिक मतभेद को दावत दे रहे हैं? मत कीजिए ऐसा। आगे सवाल लेते हैं। सवाल है सोनिया का। सर, 7 दिसंबर 1995 2:10 करनाना पंजाब में जन्म हुआ है। अच्छा, जानना यह है कि कौन सी फील्ड में जॉब करें। कोई भी जॉब करती है ज्यादा दिन टिक नहीं पाती है, किसी प्रॉब्लम की वजह से जॉब छोड़नी पड़ जाती है। किसी से प्यार भी बहुत ज्यादा करती है, उनका नाम लेना उचित नहीं है। शादी करना चाहती है, तो कब तक शादी का योग है और करियर के लिए क्या करें? सोनिया, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की, और अंतरदशा चल रही है मंगल की जून 2020 तक। जॉब बहुत अनस्टेबल रहती है, आपने कहा बार बार छोड़नी पड़ जाती है, और इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कैरियर को सही रूप से बनाने के लिए। देखिए, कैरियर को बनाने का एक अच्छा समय चल रहा है, और बहुत संभव है कि अब तक आपको जॉब मिल गई होगी पिछले कुछ दिनों में, और आगे चलकर जुलाई अगस्त 2020 में कैरियर में और सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारी बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक आपने सवाल पूछा अपने रिश्तों को लेकर, तो ये प्यार मोहब्बत की बातें अभी छोड़ दीजिए, उसका समय ठीक बना हुआ नहीं है। पहले अपने कैरियर को बनाने की दिशा में पूरी मेहनत झोंक दीजिए। देखिए, जॉब तो आपको शायद अब तक मिल चुकी होगी जैसा कि दिखाई दे रहा है, और आपके लिए
सलाह ये है कि सारा ध्यान अपने करियर पर दीजिए। ये समय रिश्तों में फंसकर शादी ब्याह इन सब के बारे में सोचने का नहीं है। जिंदगी इतने अच्छे मौके बहुत कम देती है, अपने करियर पर फोकस कीजिए। उसका जब समय आएगा वो फैसला भी आप लीजिएगा, अभी सिर्फ करियर। आगे बढ़ते हैं, मिथुन और कर्क राशि अब आपके बारे में देखते हैं, ज्योतिष गुरु क्या देख रहे हैं और आपको क्या बताते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वालों को खुद पर भरोसा भी करना होगा और अपनी क्षमताओं को उजागर करने के लिए अपनी मेहनत को भी बढ़ाना होगा। हालात आपकी मदद करना चाह रहे हैं और ये भी बहुत बड़ी बात है, इस भरोसे भी अपने कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। क्या करना चाहिए सब, अगर आप लोगों की अच्छाई से फायदा उठा रहे हैं तो उनकी आलोचना को भी साथ ही साथ झेल लेने की जरूरत पड़ेगी। फूलों के साथ साथ कभी कभी थोड़े से कांटे भी झेलने ही पड़ते हैं, पर इस बात को समझ लें कि कुल मिलाकर ये भाग्यशाली समय है जिससे आपको फायदा हो सकता है। क्या न करें समय में, किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के जो भी मौके मिल रहे हैं उनमें कमियां न ढूंढते चले जाएं। कई तरह की चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना ही होगा और उसके लिए भी आपको लोगों पर भरोसा करना ही होगा ताकि उनका समर्थन मिल जाए। ऐसे में उन्हीं लोगों की गलती निकालते चले जाना भी ठीक नहीं है। कर्क राशि वाले अपने रवैये को सुधारेंगे तो अपने बढ़ते हुए असंतोष पर काबू पाना आसान हो जाएगा। हर चीज को लेकर कोई ना कोई गलतफहमी पैदा करते चले जाने से नुकसान ही होता है, इसलिए भी आपको लोगों से तालमेल बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में, सेहत एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान देना होगा। अपनों की सेहत की ओर भी नजर रखनी होगी। आपकी मानसिक परेशानियों के कई सारे कारण हो सकते हैं जिन्हें एक एक करके दूर तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर काम के प्रति आपकी लगन बन पाएगी। क्या ना करें इस समय में, ना तो पैसे को कहीं फंसाएं और ना ही फिलहाल किसी निवेश के बारे में सोचें, क्योंकि ये समय आपकी मुश्किलों को उजागर कर रहा है। कभी कभी जिंदगी के बड़े फैसले लेने से पहले थोड़ा सा रुक जाने से फायदा होता है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो जिंदगी में कुछ बड़े फैसले जो होते हैं उनके लिए थोड़ा सा संभल कर विचार कर ही आगे बढ़ना चाहिए, यही सलाह है आपके लिए। सिंह और कन्या राशि अब आपके लिए क्या सलाह ज्योतिष गुरु की, आइए जानते हैं। सिंह राशि वाले लोगों पे तो भरोसा कर रहे हैं पर पैसे को लेकर आपके मन में बहुत सारी उथल-पुथल है। आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी उपलब्धियों में कोई ना कोई कमी रह रही है। अपनी बढ़ती हुई उम्मीदों की वजह से भी ऐसे विचार बन सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में, कुछ सीखने और पढ़ने के प्रयास में अपनी काबिलियत में इजाफा किया जा सकता है। आपकी मेहनत सही दिशा में लगी हुई है और यह भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसी के चलते काम या कारोबार में अपने प्रदर्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। क्या न करें इस समय में, काम या कारोबार से जुड़ी चुनौतियों से आप कहीं घबरा ना जाएं, इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि किसी भी तरह की कमी है। अपनों की जरूरतों को समझने में वैसे ही कोई कमी ना रखें। कन्या राशि वालों के लिए पैसे से जुड़ा लेन देन आपकी समस्याओं का कारण हो सकता है, जबकि इस समय कामकाज से जुड़ी हुई जरूरतें ऐसी हैं जिन्हें पूरा तो करना ही पड़ेगा, इसलिए भी आपको अपनों की ओर देखना पड़ सकता है कि उनकी मदद मिल जाए। क्या करना चाहिए समय, घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी सी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, पर अगर आप अपनी मानसिकता को सुधार लेंगे तो आधी जंग वैसे ही जीत जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो आपकी कोशिशों से आसानी से संभल जाएगा। क्या न करें इस समय में, अपने सुखद हालात के खिलाफ कोई सवाल न खड़े करें, परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं और काम और कारोबार से लगातार लाभ भी बना हुआ है, इसलिए किसी भी चीज को कमी की नजर से बिल्कुल ना देखें। देखिए परिस्थितियां अच्छी हैं, कामकाज से लाभ भी बना हुआ है, तो इसलिए अब अगर आप इस वक्त में कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे वो गलत होगा, उसको ऐसा सोचने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। समय सवाल लेते हैं, सवाल है हिमांशु पारिक, 25/9/1989, टाइम है 9:15, रात का, सीकर राजस्थान में हुआ है जन्म। शादी कब तक होगी और बिजनेस जो ये कर रहे हैं वो कब तक पूरा सेट हो जाएगा, इसके बारे में मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। हिमांशु, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कर्क राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की, मई 2020 तक। कब तक शादी होगी, आपकी आयु हो चुकी है 30 वर्ष की और देरी हो सकती है, अब से एक साल के बाद आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपकी शादी हो जाए और ज़्यादा देरी से बचने के लिए। जहाँ तक आपने बिजनेस में कहा कि बिजनेस में पूरी तरह से सेटल कब होंगे, तो देखिए धन लाभ के रूप में हालात सुधरेंगे अब से 1.5 साल के बाद, लेकिन बिजनेस में सुधार लाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, क्योंकि कुंडली का ऐसा इशारा है कि मन से बहुत लगन के साथ बिजनेस में अपना समय लगाना होगा, तब जाके बिजनेस में उस तरह की स्टेबिलिटी और अच्छाई बन पाएगी जो आप चाह रहे हैं।
शादी का समय बनता है आपका 1 साल बाद, तब प्रयास करने चाहिए। और आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है अब से 1.5 साल बाद, तब तक आपको पूरा फोकस पूरा ध्यान अपने कामकाज पर देना है। हमें आगे बढ़ना है, तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके बारे में जानना है कैसा है आपका आज का दिन, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वाले रिश्तों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं पर किसी प्यार के रिश्ते में उस तरह का संतोष नहीं बन पा रहा जिसकी की जरूरत। आपकी कोशिशें अच्छी है और आपकी ईमानदारी भी नजर आ रही, फिर भी जैसे बात नहीं बन पा रही, क्या करना चाहिए समझ में। आपकी कोशिशें इसलिए अच्छी हैं क्योंकि आपकी क्षमताएं भरपूर हैं, उसी से आपकी योग्यताएं भी उभर रही। इस अच्छाई को समझना होगा और ऐसा करने के लिए अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को भी हटाना पड़ेगा। लोग आपकी अच्छाई को समझ रहे हैं पर आपके भरोसे में कमी आती चली जा रही, क्या न करें समय में। अपनी लगन से भी मेहनत बढ़ाई जा सकती है और अपनी चुनौतियों को संभालने के लिए भी नई प्रेरणा ली जा सकती है। इसलिए जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे अपनी मेहनत से पूरा भी किया जा सकता है, ऐसे में अपने प्रयास कम बिल्कुल ना होने दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं पर आप फिर भी परेशान हैं। रोजमर्रा के रूप में कई ऐसी बातें उभरती चली जा रही हैं जो आपको कई तरह के सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रही हैं। इसी वजह से आप कभी कभी बहुत दूर भाग जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए समय में। अपनी कोशिशों से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है पर सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अपनी विनम्रता बनाए रखनी होगी और किसी भी तरह की गलती से बचना होगा। बहुत ज्यादा सोचकर और परेशान होकर नुकसान ही होता है, क्या न करें इस समय में। कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं आपके मन में, फिर भी जल्दबाजी ना करें क्योंकि ये गलतियों भरा समय है। इसलिए किसी भी एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा सपने देखते चले जाना भी ठीक नहीं। किसी भी एक चीज को लेकर सोचते चले जाना और उसी की याद में जीते रहना ये सही नहीं, थोड़ा सा अपनी सोच को खोलना पड़ेगा, विस्तार देना पड़ेगा। धनु और मकर राशि, अब आपको क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं ज्योतिष गुरु से। धनु राशि वालों की कोशिशें अच्छी हैं और जिस भी काम में लगे हुए हैं उसमें आपको उन कोशिशों का लाभ भी मिल रहा है पर फिर भी लोगों से तालमेल बिठाए रखने में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग ही आपकी परेशानियों का कारण बने हैं, क्या करना चाहिए समय में। थोड़ा सा व्यवहारिक नजरिया अपनाना होगा और जिंदगी को इस रूप से देखना होगा कि आपने क्या पाया और आगे भी आप क्या कुछ पा सकते हैं। इस तरह का आशावादी रवैया बनाए रखेंगे तो बहुत कुछ पाना और बहुत कुछ करना आसान हो जाएगा, क्या ना करें इस समय में। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है इसलिए हर चीज में गलतियां ना निकालें पर साथ ही साथ इस बात को भी समझ लें कि कोई ऐसा बड़ा खतरा मोल ना लें जिसके चलते एक और तो नुकसान होता चला जाए और दूसरी ओर लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं। मकर राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से दबाव भरा समय हो सकता है पर इस वजह से कामकाज की स्थिति भी ऐसी है जो संभालने से ही संभलेगी। कई तरह की गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं जिन्हें संभालने में मुश्किल आन खड़ी हो, क्या करना चाहिए समय में। धैर्य बनाए रखना होगा और अपने विचारों को बहुत धीमा बनाए रखना होगा, समय के साथ ही इन परेशानियों का समाधान उभर पाएगा। इसलिए किसी भी तरह की उत्तेजना से फिलहाल बचकर निकल जाने की जरूरत पड़ेगी, क्या न करें समय में। कामकाज को लेकर या किसी प्यार के रिश्ते को लेकर कोई ऐसा विचार न बनाए जो आपको परेशानियों में डाल दे, इसलिए किसी भी विचार को बहुत ज्यादा रफ्तार देने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर कोई भी चीज आपके नुकसान का कारण बनती चली जाएगी तो वो इस समय ठीक नहीं है। किस वजह से नुकसान हो रहा है उस वजह को समझना है और उसको दूर करना है। कुंभ और मीन राशि, आपका राशिफल और आपके लिए अचूक टिप ज्योतिष गुरु के, तो बहुत ध्यान से अपना राशिफल और उसके बाद क्या करें क्या ना करें। कुंभ राशि वाले अगर पहले से ही अपने ऊपर दबाव बनाए रखेंगे तो गलतफहमियां पैदा होंगी और रिश्तों की अच्छी भली स्थिति को भी संभालना मुश्किल होता चला जाएगा। अविश्वास एक ऐसी चीज है जो रिश्तों को हिला सकती है, क्या करना चाहिए समय में। अपने मन में बिठाई हुई दुविधाओं को हटा दें और आप देखेंगे कि हर तरह का लाभ आपको मिलता चला जा रहा है, यहाँ तक के काम और कारोबार में भी आपकी क्षमताएं लगी रहे जिससे आपकी स्थिति संभली रहे, ऐसी अच्छाई आपके लिए बनी हुई है जिसे बनाए रखने की जरूरत, क्या न करें इस समय में। उस आशीर्वाद की ओर जरूर देखें जो आपकी स्थिति को संभाले हुए, इसलिए हर छोटी बात को लेकर अपने मन को उचाट न करते चले जाएं। किसी भी तरह की छोटी रुकावट के चलते अपनी कोशिशों को इस समय कम करते चले जाना भी ठीक नहीं। मीन राशि वालों का मन परेशान है इसलिए आप लोगों से अलग थलग होते चले जा रहे हैं। निजी जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं लग रहा, इसी वजह से गलतफहमियां उभर जाने का भी अंदेशा है, क्या करना चाहिए समय में। कामकाज की स्थिति ऐसी है जिसे बढ़ावा देना होगा पर उसमें अपनी मेहनत के बलबूते पर ही चलना होगा।
किसी भी तरह के परिवर्तन से बचकर निकल जाएंगे तो आप अपने नुकसान से भी बचे रहेंगे। किसी प्यार के रिश्ते की ओर अपने मन को उचाट करते चले जाने से भी बचना होगा। क्या ना करें इस समय में, रोजमर्रा की चुनौतियों की वजह से अपने कामकाज की स्थिति को कमजोर ना करते चले जाए। इसलिए अपने साथी सहयोगियों के खिलाफ ना सोचें, किसी से भी कोई ऐसी चुभती हुई बात ना कहें जो किसी को मन को दुखाए और उसका बुरा असर आपकी जिंदगी के और पहलुओं पर पड़ता चला जाए। तो कुल मिलाकर एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी को ऐसी कोई बात मत कीजिए जो चुभे किसी को भी। अब हम जानेंगे ज्योतिष गुरु से कि जैकपॉट किसके नाम खुलने वाला है। तो आइए चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास जानने के लिए। सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपनों पर भरोसा बनाए रखना होगा और जो भी मन की परेशानियां हैं उन्हें भी दूर कर देना होगा। जिंदगी का सुख बनाए रखने के लिए अपने रवैये को बदलना तो पड़ेगा ही। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, और अब चूंकि दिन की शुरुआत हो चुकी है, प्लानिंग आप तक पहुंच चुकी है, तो उम्मीद करते हैं कि आप आज के दिन को पूरे योजनाबद्ध तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। आप नहीं जानते कि इस तरह से अगर आपने आज के दिन को जिया तो आज का दिन एक शानदार, एक यादगार दिन बन जाए आपके जीवन का। अगर कोई मुश्किल आ रही है तो आप हमें उसके लिए ईमेल कर सकते हैं। आईडी है आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। आज के लिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ, लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।